नायक दामोदर सावरकर की जयंती पर दिल्ली के महाराष्ट्र सदन से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और पुण्यश्लोक कहिल्या देवी होलकर की मूर्ति को अस्थायी रूप से हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जगह जगह इसके खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। वहीं नागपुर शहर में आज बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सूती बाजार में सावित्री फुले की प्रतिमा के सामने पार्टी शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे की अध्यक्षता में भाजपा सरकार व शिंदे गुट सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे का कहना है कि विनायक दामोदर सावरकर की जयंती का हम विरोध नहीं करते, पर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर की मूर्ति को जिस तरह अस्थायी रूप से हटाकर उनका अपमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के होते हुए किया गया, वे अपमानजनक है। मागच्या काही काळापासून सतत महाराष्ट्राचे राज्यपाल असो, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असो, उपमुख्यमंत्री असो किंवा भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते असो, सतत महापुरुषांचा अपमान करत आहे। आता परवाची घटना दिल्लीमध्ये घडली, महाराष्ट्र सदनामध्ये ज्यावेळेस तिथे सावित्री बाईंचा पुतळा होता, अहिल्याबाई होळकरांचा पुतळा होता, तो सुशोभित ठेवासाठी, तिथं सुशोभीकरण करण्यासाठी आणि तिथे जयंती मनवासाठी, आम्हाला जयंतीचा विरोध नाही आहे, परंतु ज्या पद्धतीनं जयंती साजरी केली जाते पण त्याच वेळेस सावित्रीबाई फुलेंचा आणि अहिल्याताई होळकरांचा यांचा पुतळा तिथं हटवण्यात आला, याच्यासाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आज विरोध करत आहे, याच्याचा धिक्कार करण्यासाठी आम्ही इथे एकत्र आलेलो आहे। तसंच एक इंडिका टेल्स म्हणून एक वेबसाईट आहे, त्या वेबसाईटवर चुकीच्या पद्धतीनं सावित्रीबाई फुले यांच्यावर टिप्पणी केलेली आहे। त्याच्या हे आज जे काही सगळं घडत आहे हे महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री आणि भाजपच्या याच्यामध्ये सगळा प्रकार आहे, हे कुठेही महापुरुषाचा अपमान करण्याचं काम नेहमीच सतत करत आहे। आपको बता दें कि विनायक दामोदर सावरकर की जयंती दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में मनाई गई। इस दौरान महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकनकर ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर और सावित्रीबाई फुले की मूर्तियों को अस्थायी रूप से हटा दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मामले की जाँच की मांग की गयी। साथ ही इसको लेकर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल किया। इसका जवाब देते हुए शिंदे ने कहा कि सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होलकर हमारे ये पूजनीय और सम्मानित है, हर देशवासी उनके प्रति सम्मान रखता है, उनका अपमान नहीं होगा। मैंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से बात की है और वे इस मामले का खुलासा करने वाले हैं। एनबीसी न्यूज के लिए राजकुमार मोहोड़ के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।